तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम ये वाला व्लॉग चालू कर रहे हैं। तो अभी हम नहा धो के आईटीआई जा रहे हैं। बढ़िया आईटीआई करता हूँ मैं, आपको बता दूँ पहले ही। और अभी हम यहाँ पे हैं, नज़ारे एकदम। तो ये मेरा असिस्टेंट है, इसे मैंने रखा हुआ है, दिहाड़ी देता हूँ उसकी रोज में। तो ये 1 रुपया मेरे को वहाँ पे छोड़ के भी आता है और ले के भी आता है। तो आपको दिखाते हैं छुट्टी वगैरह कब होगी। ये हमारी आईटीआई है यहाँ पे, अब इसके अंदर हम जाएंगे। चल चल रहे। और ये रहा बंटी, तेरा नाम क्या है? रमेश। मोटी बैस। तो अब हमारी आधी छुट्टी हो चुकी है। yes. और यहाँ पे क्लास में कोई नहीं है हमारे दोनों, सिवाय ये पूरी क्लास खाली पड़ी है। और सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ काम कर रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं, फुल एकदम क्लास के टॉपर रह चुके हैं हम। और ये तो ये हमारी ट्रेड है पूरी। अब हम जाएंगे वहाँ पे। ये हमारा आइस कैंडी प्लांट है। इसमें हम कुल्फियां जमाते हैं, दूध वाली कुल्फियां जमाते हैं। और पीछे हमारा है कूलर है, जो बहुत लड़के फाड़ी हो रहे हैं। वो फाड़ी हो रहे हैं, देखो वो गए घर पे, अब वो आएंगे नहीं वापिस। और ये जो कूलर है ये एकदम एसी की हवा देता है, फुल गंदी एकदम। और ये हमारा डीप फ्रीजर है, इसके अंदर हम सब कुछ रखते हैं, लस्सी लुस्सी इसके अंदर रखते हैं हम, जो भी लाते हैं। पर आज हम लाए नहीं, आज हम तो हम नहीं रखेंगे। और ये हमारे इसमें तिजोरी है, इसके हमने ताड़े तुड़े तोड़ रखे हैं एकदम। और बस यही है। इट्स ये, और ये बंटी का बैग है हमारी क्लास। देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अब हम चाय पियेंगे, मेरी चाय, इसके अंदर चाय भी है, मेरी चाय आने वाली है बस। इसकी चाय आने वाली है, अभी रस्ते में ऑर्डर किया। अभी कहाँ से मंगाई थी? पप्पू रोडे से चाय मंगाई थी अभी, तो वो आने वाली है। वो कितने चाय देता है? 100 रुपए की एक चाय। 100 रुपए की? 100 रुपए की एक चाय देता है वो। ये हमारी वर्कशॉप है, यहाँ मिस्त्री वगैरह बनते हैं। ये सारे मिस्त्री बनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये सबसे बड़ा मिस्त्री है। और ये हमारी मशीन है पीछे। और ये प्लांट है, ये 5 लाख रुपये का एक प्लांट है। और वो वाला है, वो कितने का? 10 लाख। 10 लाख का है ये रहा एक। ये बहुत फेमस चीज़ है, ये बहुत मोटी मोटी है। ये नेहरू पार्क में आम का पेड़ तोड़ता है, केरी खाता है ये, जब इतना मोटा हो रखा है ये। आईटीआई की छुट्टी हो चुकी है, हम जा रहे हैं पैदल पैदल। और मौसम भी बहुत एकदम जहर हो रुखा है, ना धूप है ना छाया है, कुछ नहीं है, बस बढ़िया है। भी हमारे पास कोई व्हीकल वगैरह नहीं है, तो हमें पैदल सफ़र करना पड़ता है। जो एक साइकिल थी वो पंचर हो रखी है। हम यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे जब हम KTM वगैरह लाएंगे, बुलेट वगैरह लाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे उसके ऊपर व्लॉगिंग करके कैसी होती है। कैमरा भी लाएंगे, DSLR लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। दोबारा CET की छुट्टी हुई है, तो अब देखते हैं कहाँ धक्के खाने जाएंगे हम। ऐसे धक्के खाएंगे अब 7-8 बजे तक, फिर जाएंगे हम कहीं घूमने। यहाँ पे हम अमेरिका के पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ है जैसे आपका यहाँ वहाँ पे है, वैसे यहाँ पे सब कुछ है। पे ये पिपल का पेड़ है, अमेरिका में यहाँ से वही झूले हैं। अमेरिका के अंदर भी सब कुछ वही है। मैंने सोचा यहाँ पे अमेरिका में कुछ अलग होगा, पर यहाँ अमेरिका में कोई अलग नहीं है। अपने कितने दिन बाद आए यहाँ पे? ये हम कोई हफ्ता के बाद आए। ये हफ्ता लग गया हमें यहाँ पे आने में। पिछली बार लंदन गए थे, पर वहाँ पे तो थोड़ा कुछ अलग था, यहाँ पे तो सेम वैसे ही है जहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे भी इंडिया की तरह कचरा पड़ा रहता है, श्री गंगानगर की तरह। यहाँ पे भी अमेरिका में कचरा पड़ा रहता है, यहाँ के ही पार्क ऐसे ही है, पर यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई नहीं है। 4 साल बाद हम वापिस यहाँ पे अमेरिका आए हैं। पहले हम रोज आते थे यहाँ पे, हमारा गेड़ा लगता रहता था, पर यहाँ पे हमें बहुत साल हो गया आए हम यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पे अमेरिका के लोग रहते थे, अब यहाँ पे इंडिया के लोग रहने लग गए। तभी तो ऐसा हाल हो गया, इसका ना कोई साफ सफाई ना कोई बात। इंडिया के लोग ही ऐसे जागरूक हो, थोड़ा सफा साफ सफाई रखो। वहाँ पे इतने झूले लगे हुए हैं, फिर भी ये अमेरिका में आगे इंडिया के लक्षण करी जा रहा है। डस्टबिन का देखो क्या हाल कर रखा है, एकदम बुरी तरीके से इसको नोच रखा है, जख्मी किया हुआ इसको। अब हम अमेरिका की टॉयलेट दिखाते हैं कुछ अंदर से कैसी होती है। ये जो अमेरिका की टॉयलेट है ये कुछ ऐसा है, ये रहे। तो इसमें ये यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाथरूम करते हैं। और ये डस्टबिन है, इसके अंदर भी आप सुसु कर सकते हो। और यहाँ पे ये नानगर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे घरों में एसी नहीं मिलता, यहाँ पे टॉयलेटों में लगा रखा है। तो ये जो अमेरिका का जो टॉयलेट है ये हमें बड़ा ही अच्छा लगा एकदम। कैसा लगा तेरे को? मस्त, जबरदस्त। आपको अमेरिका में दिखाते हैं कि साबुन कौन सी यूज होती है यहाँ पे। ये शायद कपड़े धोने वाली साबुन होती है इंडिया में, तो इंडिया के अंदर ये कपड़े, इससे कपड़े धुलते हैं यहाँ पे, इससे हाथ धुलते हैं। ये अमेरिका थोड़ा अलग है। जो भैया ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और एक भैया ये है। हेलो
तो जो अब हमारा इंटरव्यू हुआ उसके अंदर अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो हम 1 तारीख को नौकरी जरूर लगेंगे, और वो जो नौकरी होगी वो अंबानी की असिस्टेंट की नौकरी होगी। हाँ, जो अंबानी है उसके हम असिस्टेंट रहेंगे, दोनों बॉडीगार्ड रहेंगे हम दोनों, फिर हमें बॉडी वगैरह बनानी होगी। और जो इसकी सैलरी है वो कितनी है? ये अपने को कोई 1 लाख रुपए महीने का, 1 लाख महीना, पर वो हम ऊपर से कमा लेंगे, अंबानी से मांग लेंगे हम। तो ये जो अमेरिका के पार्क में ये ऐसे इंटरव्यू होते रहते हैं, गली गली में आते रहते हैं ये इंटरव्यू वाले और नौकरी देते हैं। हमारी 1 तारीख को नौकरी तो पक्की है, और फिर हमारा जो भी ये कैमरा वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको वीडियो और भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं वो 1 तारीख आती कब है। तो ये जो झूले हैं ये अमेरिका के झूले हैं, यहाँ पे ये अमेरिका के जो बंदे होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, अब हम भी करके देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे ही है, ये अमेरिका के झूले हमने लेके देख लिए, यहाँ पे 4-5 अमेरिका के झूले लगे हुए हैं अमेरिका के पार्क में। तो ये जो अमेरिका के ये जो वाटर कूलर ये ऐसे खिंडे रहते हैं, इससे बढ़िया तो हमारे जो इंडिया के वाटर कूलर है वो ही बहुत बढ़िया है। अमेरिका का पार्क है, यहाँ पे रात होने वाली है तो हम इंडिया वापस जा रहे हैं। अब तो दिखाते हैं आपको अमेरिका और इंडिया की रोड। ये जो है अमेरिका की सड़क है, ये है, यहाँ से हम इंडिया जा सकते हैं अमेरिका से। तो चलो हम चलते हैं अभी फिर। तो मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा।